नमस्कार, मैं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। फेस्टिव सीजन में एसबीआई का तोहफा, एफडी पर बड़ी दरें आज से लागू। फेस्टिवल सीजन में भारतीय स्टेट बैंक उन ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है जो फिक्स डिपॉजिट कराने की सोच रहे हैं। एसबीआई अब एफडी पर पहले से ज्यादा ब्याज देगा। स्टेट बैंक ने सभी अवधि के लिए एफडी की ब्याज दरों में 20 आधार अंकों तक वृद्धि की है। नई ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स डिपॉजिट पर लागू होंगी। एफडी पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। एसबीआई के अनुसार एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी 10 से लेकर 20 बीपीएस तक है। 3 से 5 साल तक की एफडी पर ब्याज दर 5.60% से बढ़ाकर 5.80% कर दी गई है, जबकि 5 से लेकर 10 साल की एफडी पर ब्याज दर बढ़कर 5.85% हो गई है। मध्य प्रदेश में शुरू हो रही हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई, कल अमित शाह लॉन्च करेंगे किताबें। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी शुरू होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल से इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके समर्थन में अपनी ट्विटर प्रोफाइल की फोटो को बदल दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि 16 अक्टूबर से मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हिंदी वॉर रूम मंदार तैयार किया गया है। पीईटी की पहले दिन की परीक्षा संपन्न, सड़कों पर उमड़ा अभ्यर्थियों का सैलाब। यूपी सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए आयोजित पीईटी की पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई है। पीईटी परीक्षा का आयोजन कल भी होना है। परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर नजर आई। परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और परिवहन के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से हर परीक्षा केंद्र से अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से परेशान अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें भी की है। मुरादाबाद में खनन माफिया जफर गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। 1 लाख के इनामी खनन माफिया जफर अली को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जफर अली ने 3 दिन पहले पुलिस टीम पर गोलियां बरसाई थी जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल के अनुसार जफर दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे सुबह करीब 5 बजे पाकबड़ा थाना क्षेत्र में घेर लिया। कैलसा रोड पर पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जफर के पैर में गोली लगी है। जफर पर 1 महीने पहले साथियों के साथ मिलकर एसडीएम ठाकुर द्वारा परमानंद सिंह पर हमला करने का भी आरोप है। दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान, अमेरिका ने बताया सबसे खतरनाक देश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करते हुए पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए दुनिया के लिए पाकिस्तान के परमाणु हथियार बड़ा खतरा हो सकते हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियारों का भंडारण भी कर रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ वह पाकिस्तान को खतरनाक देश बता रहे हैं तो दूसरी तरफ सैन्य मदद के साथ आर्थिक मदद और आईएमएफ में बैकडोर चैनल से मदद कर रहे हैं। बड़े एक्शन की तैयारी, नाटो बॉर्डर के पास रूस ने तैनात किए 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और तेज हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के बॉर्डर से 20 मील की दूरी पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात किए हैं।
अमेरिकी सैटेलाइट ऑपरेटर प्लैनेट लैब्स की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने नॉर्वे के बॉर्डर से 20 मील से भी कम दूरी पर TU-160 और TU-95 रणनीतिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट इमेज में कोल्स्की प्रायद्वीप पर स्थित रूसी एयरबेस ओलेनिया पर 7 TU-160 और 4 TU-95 बम वर्षक विमान दिखाई दिए हैं। TU-160 फाइटर जेट अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी युद्धक विमान है, जो 7,500 मील तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। शी जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना तय, कल से शुरू होगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वह कल सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की हफ्ते भर चलने वाली ऐतिहासिक कांग्रेस की शुरुआत करेंगे। इस दौरान चीन के नए राष्ट्रपति के चुनाव की औपचारिकता पूरी की जाएगी। आधुनिक चीन के संस्थापक माओत्से तुंग के बाद शी जिनपिंग चीन के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे हैं। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के दौरान आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था, अधिक सरकारी नियंत्रण, आक्रात्मक कूटनीति और मजबूत सेना पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही ताइवान पर कब्जे को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को बनाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए IMT मीडिया।